में देवराज इंद्र आज अचानक सिंहासन का दबाव हो गया, क्या कारण है? हमारे सिंहासन का अचानक हिलना कोई साधारण नहीं, क्योंकि ये स्वर्ग के राजा 33 कोट देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन है। इसलिए विलंब न करते हुए कालादेव को बुलाकर शीघ्र ही इसकी जांच कराई जाए। कालादेव महाराज, आपने क्या कहा? सिंहासन आपका हिल रहा है। कहा सिंहासन हिल रहा है, संभाले इसे, देखें जरा, चेक करें। देखो, वैसे प्रश्न है प्रभु, क्या आप राजा हैं, स्वर्ग के राजा? हाँ। तो आपको स्वर्गवासी कहा जाएगा? क्यों? क्योंकि आप, हम स्वर्ग के राजा है, स्वर्गवासी थोड़ी है। स्वर्ग के राजा है, देवताओं के राजा है, तुम्हारे राजा है, तो क्या स्वर्गवासी? फिर सुने, आप स्वर्ग में रहते तो सत्य है, स्वर्ग के राजा है सत्य है, तो आपको स्वर्गवासी नहीं कहा जा सकता। क्यों व्यास जी? ये स्वर्ग में रहते स्वर्ग के राजा है, इन्हें स्वर्गवासी नहीं कहा जा सकता। तुम्हारे सोचने में अभी क्रम नहीं बन रहा है तुम्हारा। नहीं, मैं तुम कह रहे हो स्वर्ग के राजा हो, मैं हूं, देवताओं के राजा हो, स्वर्ग में निवास करते हो, परंतु स्वर्गवासी, स्वर्गवासी कहां से जाता है? अरे मतलब आप स्वर्ग में रहते जैसे गांव में कोई रहता है प्रभु, तो गांववासी कह दिया थे, गांववासी कह दिया जाता है, आपका हम स्वर्गवासी कह दिए तो गलती हुई क्या? अच्छा, स्वर्ग में रहता हुए स्वर्ग को अलग कर दिया, वासी को तुमने निवास दे दिया, राजा की जय स्वर्गवासी सत्य है, परंतु मेरे सिंहासन हिलने का कारण चेक करता हूँ। क्या देख रहे हो? हम यो देख रहे हैं तुम्हारे सिंहासन के नीचे मिचकुरिया तो नहीं दबी है, जोखे मारे उससे सिंहासन नहीं लेगा। काला काला महाराज, हमारे सिंहासन हिलने के दो ही कारण हो सकते। वो कौन से महाराज? या तो किसी राजा के द्वारा 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए गए और समूह पूर्ण होने वाला होगा, और अगर उसके द्वारा ये ना किया गया तो फिर किसी संत के द्वारा, किसी साधु के द्वारा घनघोर तपस्या की जा रही होगी इस सिंहासन को पाने के लिए। और तुम्हें मालूम है क्या, सिंहासन के ही चक्कर में एक ये राजा ही नहीं पड़ा है, बल्कि सभी अपना आसन नहीं छोड़ना चाहते। तो फिर ये स्वर्ग का मैं राजा हूं, मैं कैसे सिंहासन छोड़ दूंगा? तो इसमें दो ही कारण हो सकती है। तुम्हें बुलाने का कारण ध्यान से सुनो, तुम्हें सबसे पहले पाताल लोक जाना है, जो आदेश महाराज, वहां जाकर देखना ये है कोई तपस्या में लीन तो नहीं है, जो आदेश यज्ञ तो नहीं कर रहा, जो आदेश महाराज, स्वर्ग लोक में भी पूरे में भ्रमण करना है, हो सकता है हमारा ही कोई देवता माला जप रहा हो इस सिंहासन को पाने के लिए। हाँ, क्यों नहीं? और जब इस दोनों स्थानों पर कोई ना मिले तो फिर तुम्हें मृत लोक जाना। क्यों? मृत लोक का नाम सुनते ही तुम कांपने क्यों लगते हो, क्या कारण है? कुछ नहीं कारण, महाराज का आदेश है राखों में, आप जहाँ भेजेंगे मैं वहीं चला जाऊँ। ठीक है, तो जाओ। जाते हैं प्रभु, आप विराजमान हो जाएं। अरे मिली गई, जय हो प्रभु। हेलो हेलो हेलो,
अरे प्रभु आई लव यू, हेलो आखी खोलो, केला झेलो, कुछ तो मुंह से बोलो, हेलो हेलो। चलना चाहिए महाराज के, महाराज के दरबार में महाराज को अवगत कराना चाहिए, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो पाला भी महाराज, हम गए पाताल लोक में तो एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। पाताल लोक में तो जल ही जल था, वहां कहां कोई नहीं मिला होगा। स्वर्ग में भी तुम्हें कोई नहीं मिला, मृत्यु लोक में गए वहां मिल गए। मृत्यु लोक में मिला कौन था वो? हमको लगता है नारद जी थे। बाबा नारद, नारद के द्वारा तपस्या की जा रही। हाँ प्रभु, कालादेव ऐसा ना हो कि हमारा सिंहासन पाने की लोक पे आकर देवऋषि नारद के द्वारा वो तपस्या की जा रही हो। ऐसा हो सकता है महाराज, क्योंकि आपके जैसा सिंहासन किसी के पास नहीं है प्रभु। तभी तो विलंब ना करें। हाँ, क्योंकि कहा जाता है जब किसी पर संकट आए तो उस संकट में किसे ज्यादा याद करना चाहिए। तो फिर बताया भी गया, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल परक्रिय चाहिए। धीरज धर्म मित्र और नारी। तो आज जब इंद्र पर यह मुसीबत देवऋषि के द्वारा घनघोर तपस्या की जा रही, तो तपस्या भंग करने के लिए मुझे नारी की आवश्यकता नहीं, मुझे धर्म की आवश्यकता नहीं, बल्कि आवश्यकता है तो मित्र की, क्योंकि मित्र ही एक आज इस इंद्र का सहयोगी बन सकता है। देवऋषि नारद की मैं तपस्या भंग कराने में अपने मित्र काम को भेज कर सिद्ध अपना करवाऊंगा। विलंब न करो सिंह, मेरे मित्र कामदेव को सम्मान तलवार मिले। जय जय जय।